देख रहे हैं एपीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ रुचि पांडे। इस कोरोना महामारी के बीच देवरिया के गौरी बाजार उत्तरी से जिला पंचायत पद के पूर्व प्रत्याशी प्रद्युम्न नाथ, जिन्हें सिपाही बाबा के नाम से भी जाना जाता है, वे लगातार सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए लोगों के बीच जनसंपर्क बनाए हुए हैं। लोगों की मदद करना अब उनकी दिनचर्या बन गया है। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। प्रद्युम्न नाथ और सिपाही बाबा जो बिना डरे लोगों की लगातार मदद करते हैं, बारिश हो या तूफान हो, हर वक्त लोगों के बीच में जाकर उनका दुख सुख जानना, यही सिपाही बाबा का मकसद बन चुका है। क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, वे हर संभव मदद करने के लिए लोगों के बीच सामने आते हैं। ये ग्राम सभा सिरसिया और परसिया के लोगों से मिलकर उनकी दैनिक समस्याओं को जानते हैं और उनकी हर संभव मदद करने के लिए हर तरह के प्रबंध भी करते हैं। साथ ही ये लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क पहनने के लिए लोगों को जागरूक भी करते हैं। इस खबर से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रद्युम्न नाथ के PRO। चलिए करते हैं उनसे कुछ खास बातें। बताइए कि प्रद्युम्न नाथ जी कैसे सोशल डिस्टेंस के साथ लोगों से जुड़ते हैं, कैसे उनकी मदद करते हैं? मैं क्षेत्रीय लोगों के बीच में जाकर पहले मास्क वितरित करते हैं, सैनिटाइजर देते हैं जी। लोगों के सुख दुख को बहुत निजी जाके मतलब करीब जाके पहुँचते हैं और उनकी हर एक समस्याओं को सुनते हैं तथा यथासंभव जितना भी मदद हो सकता है मदद करते हैं। ये लगातार आज कई महीनों से चल रहा है, जब से कोरोना चल रहा है जी, तब से वो लोगों के बीच में जाते हैं। चाहे लोग स्कूल में क्वारंटाइन हो या किसी के घर राशन की समस्या हो तो बीच में जाते हैं जी। जी, इससे लोगों में समाज सेवी के नाम का एक महत्वपूर्ण योगदान भी वो देते हैं। मतलब वो हर तरह से लोगों की मदद करते हैं बिना डरे, कोरोना में क्वारंटाइन लोगों से आप बता रहे हैं, बिना डरे लोगों की मदद भी करते हैं और साथ में जैसे गांव के बच्चे हैं इस समय घर पे ही हैं, जैसे विद्यालय चल नहीं रहा है जी जी, उनके लिए बाल स्टंप गेंद वॉलीबॉल नेट भी देते हैं और लोगों को ज्यादा से ज्यादा यही मैसेज देते हैं गाँव में कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, बिना जरूरत घर से बाहर न निकले जिससे कोरोना आपको हो जाएगा जी। तो लोगों को मतलब वो कोरोना के बारे में, कोरोना क्या है, कैसे उससे बचना है, सोशल डिस्टेंस, मास्क कैसे लगाना है, बच्चों की मदद कैसे करनी है, उस सभी को लेके प्रद्युम्न नाथ जी हर कदम उठा रहे हैं। आपका कहने का मतलब ये हुआ ना? जी जी, वो सभी को बहुत बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं क्योंकि गांव के लोग हैं, थोड़ा कम पढ़े लिखे भी होते हैं, उनको समझ नहीं आता है कि कोरोना क्या है, कैसे क्या होता है, लेकिन उनको विध्वस्त समझाते हैं कि कोरोना ऐसी एक बीमारी हो गई है कि जिससे आदमी का जान भी जा सकता है, इसलिए वो लोगों के बीच में जाके निरंतर सबको समझाते हैं, बताते हैं ना? जी, ये बहुत जरूरी है। कोरोना बीमारी एक ऐसी है कि लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है, इसमें सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर ही लोग अपना बचाव कर सकते हैं। ऐसे में प्रद्युम्न नाथ जी वाकई एक सराहनीय काम कर रहे हैं, कोई शक नहीं है इस काम में जी। जी जी मैम, एकदम सराहनीय का काम करते हैं, लोगों में इस बात का चर्चा भी है क्षेत्र में कि सिपाही बाबा सबकी मदद करने वाले हैं और समाज सेवी दिखवाना जितना आसान है उससे ज्यादा मुश्किल है उसको पूरा करना, जिसको सिपाही बाबा खुद ही निभाते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, समाज सेवी कहना बहुत आसान है लेकिन उसे अपने जीवन में उतारना, उस पर काम करना वाकई बहुत कठिन है। लेकिन प्रद्युम्न नाथ जी जैसे लोग भी हैं जो हमारे बीच में कोरोना से बिना डरे लोगों को साक्षर कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो अनिल जी बताइए कि देवरिया इलाके में राम जन्मभूमि को लेकर लोगों में कैसा उत्साह है? राम जन्मभूमि को लेकर हमारे वहाँ माहौल बहुत अच्छा है, सब लोग सांप्रदायिक त्योहार बना के रखे हैं और कुछ जैसे जो राम जन्मभूमि से जुड़े लोग हैं जो हिंदू आस्था को मानते हैं वो सभी लोग मैम सब कुछ ना कुछ दिए जलाएंगे अपने हिसाब से, इस पर्व को होम मनाने के लिए दिए जलाएंगे, मतलब आस्था के नाते दिए जलाएंगे अपने घर में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए भी, और पूजा पाठ का भी कार्यक्रम रखे हैं छोटा छोटा। धन्यवाद अनिल जी। तो आप सुन रहे थे प्रद्युम्न नाथ के PRO अनिल जी को, जिन्होंने बताया कि प्रद्युम्न नाथ ने कैसे बिना डरे कोरोना से लोगों को साक्षर किया और गांव में हर एक कदम को उठाया जिससे लोग साक्षर हो सके, कोरोना से बच सके, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सके, मास्क लगाएं। और भी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एपीटीवी भारत।